हे गाइस, वेलकम टू अभिनय ऑटो व्लॉग्स। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक ड्राइव रिव्यू जो कि है ऑल न्यू बलेनो 2020। अभी मेरे पास है बलेनो अल्फा वेरिएंट 1.2 लीटर का। आपको इसके अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 82 bhp की पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। आज हम इसका ड्राइव रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे इसकी माइलेज क्या है, कैसे इसका सस्पेंशन है, क्या इसका कटिंग रेडियस है और क्या ये वर्थ करती है आपको लेने के लिए या फिर नहीं। इसका ओवरऑल हम पूरा ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के साथ कार से रिलेटेड न्यूज, रिव्यूज, वॉक अराउंड वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और अल्फा वेरिएंट के अंदर आपको पुश स्टॉप स्टार्ट बटन मिलता है कीलेस एंट्री के साथ। और जैसे अभी जो मैंने अज्यूम किया है, जैसे ही मैं इसका फर्स्ट गियर लगाता हूं तो काफी स्मूथ इसका आगे एक्सेलरेशन जाता है। और मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा आप एक ही गियर में ज्यादा पुश मत कीजिए, क्योंकि उससे जो आपकी माइलेज है वो जरूर इसकी रिड्यूस हो जाती है। सो जिस कार के अंदर गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको यहाँ पर इसकी MID के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप कार को ज्यादा से ज्यादा ड्राइव करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी माइलेज जरूर मिल जाएगी। अभी मैंने इस कार को अप्रोक्सीमेटली जो ड्राइव किया है वो 2000 किलोमीटर सिटीज के अंदर मैंने इसको अभी तक ड्राइव किया है, तो अभी जो मुझे इसकी सिटीज में जो माइलेज अप्रोक्सीमेटली मिल रही है वो 15.8 to 16.2 तक मुझे इन सिटीज इसकी माइलेज मिल रही है। और वही जब मैंने इसको हाईवेज पर चलाया था तो वहां पर मुझे 18.5 to 19 kmpl अप्रोक्सीमेटली मुझे माइलेज वहां पर मिल रही थी। वही अगर मैं बात करूं इसके स्टेयरिंग व्हील की तो स्टेयरिंग व्हील आपको यहां पर मिलता है लेदर रैप। इसी के अंदर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको वॉइस रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप जो इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर वॉइस। सो ये एक प्लस पॉइंट आपको यहां पर मिल जाता है। वही अगर मैं बात करूं इसके ORVMs की तो ORVMs आपको यहां पर न ज्यादा बड़े मिलते हैं न ज्यादा छोटे मिलते हैं, काफी आपको अच्छे साइज के मिल जाते हैं, जिससे आपको जो पीछे विजिबिलिटी है वो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। दूर तक का आपको इन मिरर्स के अंदर पीछे तक का आपको पूरा विजिबल हो जाता है। वही अगर मैं बात करूं इसके IRVM की तो वो आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो डिमिंग IRVM, जो रात के टाइम आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। जब बाहर से जो लाइट है वो काफी ज्यादा स्कैटर होकर अंदर आती है तो वो यहाँ पर स्कैटर होके आपकी आइज तक ये इसको फॉरवर्ड करता है, जिससे जो लाइट्स है वो काफी ज्यादा डिम हो जाती है, इसलिए इसको आप कहा जाता है ऑटो डिमिंग IRVM। वही अगर मैं बात करूं इसके वैनिटी मिरर्स की तो आपको दोनों ही साइड यहां पर वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं, इवन जो लाइट्स हैं वो भी आपको वैनिटी मिरर्स के ऊपर मिल जाती हैं। वही अब हम चेक कर लेते हैं इसका हॉर्न कैसा है। बेसिकली इसके अंदर जो अल्फा वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलते हैं ड्यूअल टोन हॉर्न्स, जो कि दो हॉर्न्स मिलते हैं शार्प टोन वॉइस में मिलते हैं। सो अभी आप मुझे कमेंट करके बताने कि आपको बेसिकली जो इसकी हॉर्न की वॉइस है वो कैसी लग रही है, क्या ये ज्यादा इसकी एफिशिएंसी अच्छी है या फिर काफी लो है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वहीं आपको इसके अंदर मिल जाते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो कि हेल्प करते हैं शाम के टाइम। अगर आप इसको यहां से ऑटो मोड पर कर देंगे तो उसके बाद जैसी शाम होगी जो यहां पर सेंसर लगा हुआ होता है प्लेस होता है IRVM के ऊपर, वहां वो जैसी सेंस कर लेगा कि बाहर रात हो गई या फिर अंधेरा हो गया है, ऑटोमेटिकली जो आपके हेडलैम्प्स है वो ऑन हो जाएंगे। और अगर जैसे ही सेंसर सेंस करेगा कि बाहर रोशनी है या फिर सूरज निकल गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऑन भी हो जाएंगे और ऑफ भी हो जाएंगे। सो ये एक यहां पर प्लस पॉइंट मिल जाता है। वहीं फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फीचर यहां पर मिल जाता है आपको, जो कि मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट है। अगर आपकी गली या फिर रास्ते में अंधेरा है तो आप उनका यूज कर सकते हैं अपने घर तक जाने के लिए, जो कि एक प्लस पॉइंट जरूर यहां पर मिल जाता है। वही अगर मैं बात करूं इसके सीटिंग कंफर्ट की तो सीटिंग कंफर्ट आपको यहां पर अच्छा खासा मिल जाता है। जो सीट्स हैं वो काफी कुशन सीट्स आपको यहां पर मिलती है, हालांकि जो फैब्रिक सीट्स मिलती हैं इसके ऊपर आपको सिर्फ आर्टिफिशियल लेदर का जो कवर है वो सिर्फ इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलता है, बट जो सीटिंग कंफर्ट है वो आपको यहां पर अच्छा खासा मिल जाता है। थोड़ा सा सी शेप में आपको यहां पर सीट्स मिलती हैं, सो जो आपकी बैक है वो आपको बैक तक पूरा सपोर्ट आपको पीछे मिलता है, इवन जो हेडरेस्ट है वो यहां पर आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। वही आपको जो सीट्स है वो आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। सो जब आप इसकी सीट्स को एडजस्ट करते हैं तो वहीं आपको एक और प्लस पॉइंट मिलता है, वो इसके स्टेयरिंग व्हील के साथ आपको मिलता है, क्योंकि जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो टिल्ट होने के साथ आपको टेलीस्कोपिक भी मिलता है। मैं आपको जरूर वो दिखाना चाहूंगा, यहां से आप देखो ये
ऊपर की साइड आ गया, ये टेलीस्कोपिक हो गया और वहीं ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये टिल्ट हो गया। सो आप इसको कैसे भी नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो ये आपको अच्छा पॉइंट यहाँ पर जरूर मिल रहा है। बात करूँ इसके स्टीयरिंग व्हील की अगेन, तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो अगर आप इसको स्पीड पर अभी अप्रोक्सीमेटली 60-70 किलोमीटर पर आर के अकॉर्डिंग कार अभी ड्राइव हो रही है, वहीं जो इसके स्टीयरिंग व्हील है जैसे जैसे मैं इसको और स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ तो जो स्टीयरिंग व्हील है वो हार्ड हो जाता है, और जब ये थोड़ा सा स्लो पे आ जाता है 30-40-20 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको काफी सॉफ्ट महसूस होता है। सो ये एक अच्छा एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर कार स्लो में है तो काफी आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो हार्ड मिलता है। तो ये अच्छी चीज आपको यहाँ पर इसके स्टीयरिंग व्हील के साथ अगेन मिल जाती है। वहीं अब हम इसका थोड़ा सा सस्पेंशन चेक कर लेते हैं कि इसका सस्पेंशन कैसा है। वहीं अब मैं गड्ढों में से कार को निकाल रहा हूँ, आपको भी फील होगा कि कार का जो कैमरा है वो काफी शेक हो रहा है। सो ऐसा कुछ ज्यादा आपको सस्पेंशन में बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, सस्पेंशन काफी सॉफ्ट आपको यहाँ पर मिलता है और ज्यादा हार्ड नहीं है ना ज्यादा सॉफ्ट है। थोड़ा सा आपको जंपी फील जरूर होगा और आपको कंफर्ट जरूर यहाँ पर मिल जाएगा। सो सस्पेंशन काफी अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब हम इसका थोड़ा सा टर्न रेडियस जरूर चेक कर लेते हैं कि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो कैसा है, अब आगे कट आ रहा है तो अब मैं आपको थोड़ा सा कट लेकर दिखाना चाहूंगा। सो मैंने जो अभी यहाँ पर फील किया है वो ये है कि ज्यादा इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है, कम जगह में ये आराम से टर्न हो जाती है। और वही अब मैं आपको एक और टर्न लेकर दिखाऊंगा, बिल्कुल नैरो टर्न। सो यहाँ बिल्कुल मैंने स्टीयरिंग व्हील को फुल काट दिया है और अभी जो आप देख रहे हैं कि कार बिल्कुल इजीली टर्न हो चुकी है, वापस घूम चुकी है। सो ये एक अच्छी पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, जो टर्निंग रेडियस है वो आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है। और वहीं एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो कार की इंजन की नॉइज है वो आपको ऐसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, कैबिन तक आपको वो फील नहीं होती है। वहीं जब मैंने इसका जो डीजल वेरिएंट है जब मैंने वो ड्राइव किया था तो वहां पर आपको जो इंजन की नॉइज है वो कैबिन तक फील होती है। सो वो थोड़ा सा एक डीजल के अंदर थोड़ा सा एक यही डिसएडवांटेज रहता है कि जो नॉइज है वो आपको जरूर मिल जाती है, बट अगर पेट्रोल की मैं बात करूँ तो पेट्रोल में ऐसा आपको कुछ भी वो सब चीजें महसूस नहीं होंगी। सो बात कर लेते हैं कि ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है या फिर नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर वो है i20, बट i20 का जो मॉडल था पहले वो ओल्ड हो चुका है। इसका जो ये फेसलिफ्ट आया था वो 2019 में आया था बेलेनो का, बट अभी i20 नई आने वाली है, ऑल न्यू i20 अभी आने वाली है, उसके टीजर्स भी ऑनलाइन डिस्क्लोज हो चुके हैं, वेरियंट भी पता चल चुके हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा अगर आपको एक चाहिए हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक अगर आपको चाहिए तो पहले आप जो ऑप्शन है वो आप i20 को दो, i20 को पहले लॉन्च होने दो, उसके आपको प्राइसिंग आने दो। अगर प्राइसिंग में आपको ज्यादा फर्क लगेगा कि ज्यादा कुछ फर्क है तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर बाय करो। बाकी i20 में क्योंकि काफी ज्यादा इससे भी ज्यादा प्रीमियम फीचर्स आने वाले हैं, अगर प्राइसिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा तो आप इसको बाय कर सकते हो। और बाकी अगर आपको i20 और भी ज्यादा इससे अपीलिंग और फैसिनेटिंग लगती है तो आप i20 को जरूर बाय करना, क्योंकि वो काफी ज्यादा अपीलिंग इस बार होने वाली है। सो गाइज ये था कुछ ओवरऑल ड्राइव रिव्यू अबाउट ऑल न्यू बलेनो 2020। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि वर्थ ऑप्शन है फिर या नहीं है, इसके ड्राइव रिव्यू कैसे, इसका सस्पेंशन है, क्या माइलेज दे रही है। सो वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया तो वीडियो को आप अभी लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली मैं आप लोगों से कार से रिलेटेड न्यूज रिव्यूज वॉक अराउंड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। सो एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।